हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका दिल से स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद। हमिंगबर्ड अमेरिका के मूल निवासी पक्षी है और इसमें जैविक परिवार ट्रोचिलिडे शामिल है। लगभग 361 प्रजातियों और 113 प्रजातियों के साथ वे अलास्का से टियरा डेल फुएगो तक पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश प्रजातियां भूमध्य रेखा के आसपास के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वे छोटे पक्षी हैं, जिनमें अधिकांश प्रजातियों की लंबाई 7.513 सेमी 3 से 5 इंच होती है। सबसे छोटी मौजूदा चिड़ियों की प्रजाति 5 सेंटीमीटर 2.0 इंच मधुमक्खी हमिंगबर्ड है, जिसका वजन 2.0 ग्राम 0.07 औंस से कम है। सबसे बड़ी हमिंगबर्ड प्रजाति 23 सेंटीमीटर 9.1 इंच विशाल हमिंगबर्ड है, वजन 18 से 24 ग्राम 0.63-0.85 औंस। वे फूलों के अमृत को खिलाने के लिए विशिष्ट हैं, लेकिन सभी प्रजातियां उड़ने वाले कीड़े या मकड़ियों का भी सेवन करती हैं। हमिंगबर्ड लगभग 42 मिलियन वर्ष पहले अपनी बहन समूह स्विफ्ट और ट्रिविफ्ट से अलग हो गए थे। मौजूदा चिड़ियों के सामान्य पूर्वज का अनुमान है कि वे 22 मिलियन वर्ष पहले दक्षिण अमेरिका में रहते थे। उनके धड़कते पंखों द्वारा बनाई गई हमिंग ध्वनि के कारण उन्हें हमिंगबर्ड के रूप में जाना जाता है, जो मनुष्यों के लिए श्रव्य उच्च आवृत्तियों पर फड़फड़ाते हैं। वे मध्य हवा में तेजी से पंख फड़फड़ाने की दर से मंडराते हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रजातियों में लगभग 12 बीट प्रति सेकंड से लेकर छोटे चिड़ियों में लगभग 80 प्रति सेकंड तक भिन्न होता है। उन प्रजातियों में से जिन्हें पवन सुरंगों में उड़ने के दौरान मापा गया है, उनकी शीर्ष गति 15 मीटर सेकंड 54 किलोमीटर प्रति घंटा 34 मील प्रति घंटे से अधिक है। प्रेमालाप के दौरान कुछ नर प्रजातियां एक मादा से 30 मीटर 100 फीट की ऊंचाई से लगभग 23 मीटर सेकंड 83 किलोमीटर प्रति घंटा 51 मील प्रति घंटे की गति से गोता लगाती है। हमिंगबर्ड में किसी भी होमोथर्मिक जानवर की उच्चतम द्रव्यमान विशिष्ट चयापचय दर होती है। जब भोजन कम होता है और रात में जब चारा नहीं होता है, तो वे ऊर्जा के संरक्षण के लिए हाइबरनेशन के समान अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं और अपनी चयापचय दर को सामान्य दर के 1/15 तक धीमा कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।